गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट माई सेल्फ आलोक वेलकम टू माई चैनल स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे क्लास इलेवन का फर्स्ट चैप्टर दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आई होप आप सभी ने सारे प्रीवियस वीडियोज रिलेटेड टू दिस चैप्टर देख लिए होंगे अगर आप में से अभी भी किसी ने नहीं देखें तो आप मेरे चैनल पर जाके उनको देख सकते हैं करेक्ट तो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशसन है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी तो आज हम डेंसिटी के बारे में सीखेंगे डेंसिटी क्या होती है टाइप्स ऑफ डेंसिटी क्या है और सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डेंसिटी करेक्ट तो डेंसिटी स्टूडेंट हम पहले से जानते हैं डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम करेक्ट सो ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी तो व्हाट विल बी द फॉर्मल ऑफ डेंसिटी स्टूडेंट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई डिवाइड बाय वॉल्यूम करेक्ट सो डी इज इक्वल टू एम बाय वी यहाँ पर जो स्मॉल डी है आई हैव टेकन एज डेंसिटी एम एज मास एंड वी एज वॉल्यूम करेक्ट बट करेक्ट सिम्बल ऑफ स्टूडेंट डेंसिटी इज रो करेक्ट जो मोस्ट कॉमन जो सिम्बल है डेंसिटी का वो क्या है ऐसा होता है और इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट रो बोलते हैं करेक्ट बट आई हैव टेकन एज स्मॉल डी करेक्ट व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डेंसिटी स्टूडेंट केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर सीसी और ग्राम पर एमएल करेक्ट हम जानते हैं स्टूडेंट वन जो सेंटीमीटर क्यूब होता है उसी को हम वन सीसी भी बोलते हैं और वन जो सी सी या वन जो सेंटीमीटर क्यूब वन एम के इक्वल होता है करेक्ट तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है वन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू वन सी सी इज इक्वल टू वन एम एल करेक्ट सेंटीमीटर क्यूब को काफी बार क्या यूज करेंगे स्टूडेंट सीसी लिखा जाता है राइट करेक्ट नाउ टाइप्स ऑफ डेंसिटी स्टूडेंट देर आर टू टाइप्स ऑफ डेंसिटी वन इज एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड अदर वन इज रिलेटिव डेंसिटी करेक्ट फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग एब्सोल्यूट डेंसिटी हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी के बारे में एब्सोल्यूट डेंसिटी स्टूडेंट वो एब्सोल्यूट डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम करेक्ट क्लियर जो अभी हम ऊपर डेफिनेशन पढ़ के आए वही डेफिनेशन एब्सोल्यूट डेंसिटी की भी होती है करेक्ट तो जो डेंसिटी हमने ऊपर देखी थी डेफिनेशन और एब्सोल्यूट डेंसिटी में कोई भी फ़र्क नहीं है दोनों सेम ही है करेक्ट तो डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट एब्सोल्यूट डेंसिटी इज अ मास ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एब्सोल्यूट डेंसिटी करेक्ट क्लियर सो एब्सोल्यूट डेंसिटी इज अ अ मास ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एब्सोल्यूट डेंसिटी इसका मतलब जो डेंसिटी है और एब्सोल्यूट डेंसिटी वो दोनों सेम टर्म है करेक्ट सो एब्सोल्यूट डेंसिटी इज बेसिकली डिफाइंड एब्सोल्यूट जो डेंसिटी होती स्टूडेंट वो डिफाइन होती सॉलिड लिक्विड और गैस के लिए किसी के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं तो एडी क्या होगा स्टूडेंट फॉर्मूला क्या बनेगा एडी स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट डेंसिटी दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम और यूनिट क्या होगी स्टूडेंट जो यूनिट डेंसिटी की होगी वही डेंसिटी वही यूनिट किसकी होगी एब्सोल्यूट डेंसिटी की भी होगी दैट इज़ के जी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर सी सी और ग्राम पर एम एल करेक्ट स्टूडेंट क्लियर अगर किसी भी सब्सटेंस की स्टूडेंट डेंसिटी गिवन है विथ यूजिंग यूनिट राइट क्लियर तो वो जो डेंसिटी होगी वो क्या कहलाएगी डेंसिटी एब्सोल्यूट डेंसिटी करेक्ट किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी गिवन है विथ यूनिट देन इट इज़ नोन एज एब्सोल्यूट डेंसिटी लेट सपोज मैंने किसी आयरन की या किसी सब्सटेंस की डेंसिटी बोला इट इज टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सो आई हैव यूज द यूनिट तो जब मैं डेंसिटी के मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट यूज़ करूंगा तो जो जो डेंसिटी कहलाएगी वो क्या होगा एब्सोल्यूट डेंसिटी करेक्ट सो द डेंसिटी गिवन विथ यूनिट इज़ नोन एज एब्सोल्यूट डेंसिटी करेक्ट सो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है डेंसिटी ऑफ आयरन एफ इज़ सेवन पॉइंट एट सेवन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सिमिलरली डेंसिटी ऑफ वाटर लिक्विड दैट इज़ वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ एयर दैट इज़ पॉइंट जीरो ज़ीरो वन टू टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब करेक्ट तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हमेशा क्या यूज़ किया है यूनिट यूज़ किया हुआ है डेंसिटी जब हम किसी सब्सटेंस की बता रहे हैं तो जब आप डेंसिटी की सब्सटेंस की बताएंगे और साथ में यूनिट लगाएंगे तो वो जो डेंसिटी होगी वो क्या कहलाएगा एब्सोल्यूट डेंसिटी करेक्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या है करेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट जो हमने वाटर की डेंसिटी लिया हुआ है वो फोर डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड पे लिया ली है कंसीडर करिए करेक्ट क्योंकि हमें पता है टेम वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम एट फोर डिग्री होती है और वो कितना होती है वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नाउ स्टूडेंट रिलेटिव डेंसिटी करेक्ट ऐसे सोचिए स्टूडेंट कि हम कोई व्हीकल जा रहा है और हम बोलते हैं या कार जा रही है हम बोलते हैं वो बहुत धीरे चल रही है या कोई कार अगर जा रही है तो हम बोलते हैं अरे वो बहुत तेज़ जा रही है तो हम क्या है किसी को धीरे या बहुत फास्ट बोल रहे हैं स्लो या फास्ट बोल रहे हैं तो हम किसी के रिस्पेक्ट में बोल रहे होंगे करेक्ट कि वो बहुत फास्ट मूव कर रहा है वो बहुत स्लो मूव कर रहा है या हम बोलते हैं कि वो बहुत मोटा है या वो बहुत पतला है तो हम मोटा और जो पतला है वो किसी के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं तो जब हम एक किसी एक जब हम डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वन को किसी के दूसरे सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में हम डेंसिटी बताते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे रिलेटिव डेंसिटी करेक्ट क्लियर सो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है स्टूडेंट किसी एक सब्सटेंस की डेंसिटी जब हम विथ रिस्पेक्ट टू किसी दूसरे सब्सटेंस की डेंसिटी के हिसाब से बताते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे रिलेटिव डेंसिटी करेक्ट मतलब हम रिलेट करना चाहते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वन विद डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू करेक्ट तो जिस सब्सटेंस की आप डेंसिटी बताना चाहते हैं ठीक है ना वो आप उसको जब आप फॉर्मूला बनाएंगे तो न्यूमरेटर में रखेंगे और किसके रिस्पेक्ट में आप बनाना बताना चाहते हैं उसको किस में रखेंगे डी में रखेंगे करेक्ट तो आइए डेफिनेशन देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वन डिवाइड ऑफ सब्सटेंस टू करेक्ट क्लियर तो फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वन डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू करेक्ट तो अगर आप सब्सटेंस वन की डेंसिटी बताना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्या स्टूडेंट सब्सटेंस टू को तो फार्मूला क्या बनेगा रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू करेक्ट क्लियर स्टूडेंट रिलेटिव डेंसिटी स्टूडेंट जनरली जो डिफाइंड होती है या यूजली जो डिफाइंड होती है वो डिफाइंड होती है लिक्विड और गैस के लिए करेक्ट तो मैंने वही यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेटिव डेंसिटी जनरली डिफाइंड फॉर सॉलिड एंड गैसेस करेक्ट और क्या होगा रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होगी इट इज़ यूनिटलैस क्योंकि जो आप सब्सटेंस वन लेंगे और सब्सटेंस टू लेंगे तो दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएंगी तो जो रिलेटिव डेंसिटी की जो यूनिट आएगी वो क्या होगा यूनिटलैस होगा ध्यान क्या रखना स्टूडेंट जो यूनिट आप सब्सटेंस वन की लेंगे डेंसिटी की वही यूनिट आपको सब्सटेंस टू की भी लेनी पड़ेगी सच दैट बोथ द यूनिट शुड कैंसिल आउट एंड रिलेटिव डेंसिटी बिकम्स यूनिट लेस करेक्ट आई होप इट इज क्लियर टू यू राइट सो नाउ वी आर डिस्कसिंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड करेक्ट तो जहां पर सब्सटेंस लिखा था हमने यहां पर स्टूडेंट फॉर्मूले में तो अगर आप लिक्विड की डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे सबस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा लिक्विड वन लिक्विड टू अगर आप गैस की डिफाइन करना चाहेंगे तो यहाँ सब्सटेंस की जगह गैस वन और गैस टू आ, जाएगा रिप्लेस कर देंगे हम उसको करेक्ट तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड वन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू करेक्ट क्लियर राइट अब यहां पे क्या है स्टूडेंट रिलेटिव डेंसिटी जो डिफाइन होती है किसी लिक्विड की हम डिफाइन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाटर जैसे मैं बोलता हूँ कि आपसे कि हनी ज़्यादा विस्कस है कि कम विस्कस है गाढ़ा है कि कम गाढ़ा है तो आप क्या कहेंगे ज़्यादा विस्कस है तो आप किसी के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं जैसे अब दूसरा क्वेश्चन में पूछूं कि जो वाट जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है कि ज़्यादा है तो आप यूजली क्या कहते हैं अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो हमेशा जब आप लिक्विड की प्रॉपर्टी बताते हैं तो आप ज़्यादातर किससे रिलेट करते हैं वाटर से रिलेट करते हैं जैसे मैं पूछूँ कि पेट्रोल और वाट पेट्रोल ज़्यादा वॉलेटाइल है कि कम वॉलेटाइल है मतलब वे ज़्यादा फ्यूम्स कौन ज़्यादा बनाता है तो आप क्या कहेंगे पेट्रोल बनाता है तो हमेशा हम किसके रिस्पेक्ट तो में बात करते हैं जब लिक्विड की तो हम हमेशा बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाटर करेक्ट तो कभी भी किसी लिक्विड की ज़्यादातर जब हम प्रॉपर्टीज़ बताते हैं तो हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू क्या बताते हैं वाटर बताते हैं तो इसीलिए जो यहाँ पे हम लिक्विड टूल जो लेंगे वो क्या लेंगे वाटर लेंगे डेंसिटी राइट right? क्या लेंगे आप वाटर लेंगे करेक्ट तो यहाँ पे जो आपको लेना है वो डेंसिटी ऑफ वाटर लेना है एट फोर डिग्री सेल्सियस करेक्ट तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला तो अगर आप रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड वन की बताना चाहते हैं तो आपको उसकी डेंसिटी न्यूमरेटर में रखना है और जो डिनोमेटर में लेंगे वो क्या लेंगे आप डेंसिटी ऑफ वाटर एट फोर डिग्री सेल्सियस करेक्ट तो रिलेटिव डेंसिटी का क्या फार्मूला बनेगा स्टूडेंट दैट इज डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड यहाँ पे विजिबल नहीं होगा तो प्लीज आप इसको लिखिएगा एनी लिक्विड तो डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट फोर डिग्री सेल्सियस करेक्ट तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज इज गिवन या डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर एट फोर डिग्री सेल्सियस करेक्ट सो डेंसिटी ऑफ वाटर स्टूडेंट वी नो ऑलरेडी एट फोर डिग्री सेल्सियस इज वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वन ग्राम पर सी सी और वन ग्राम पर एम एल करेक्ट नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज ध्यान से सुनिएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज कॉमनली नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट रिलेटिव डेंसिटी सॉरी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी करेक्ट तो जो कॉमन टर्म है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए वो क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी तो कभी भी आपको लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी नहीं के टर्म्स में नहीं गिवन होता है वो हमेशा क्या यूज़ करेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलेगा करेक्ट तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इस कॉमनली नोन है स्पेसिफिक ग्रेविटी तो हम भी अब हमेशा क्या बोलेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी तो कभी भी वर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा हो तो दिस मीन्स इट इज़ अ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड और किसके रिलेट किसके रिलेटेड होगा वो डेंसिटी ऑफ वाटर एट फोर डिग्री सेल्सियस करेक्ट तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट होगी तो आंसर इज नो क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है रिलेटिव डेंसिटी है किसकी लिक्विड की करेक्ट सो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूनिटलेस करेक्ट राइट सो आई हैव सम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज वन पॉइंट जीरो फाइव टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिटोन इज जीरो पॉइंट सेवन एट सेवन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बेंजीन इज जीरो पॉइंट एट सेवन सिक्स करेक्ट तो स्टूडेंट अगर कहीं भी डेंसिटी की बने किसी भी सब्सटेंस की ठीक है ना यूजली लिक्विड की या गैस की और उसके साथ यूनिट यूज़ नहीं हुई है तो वो क्या होगी रिलेटिव डेंसिटी करेक्ट क्या मुझे बता सकते हैं आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिटिक एसिड वन पॉइंट फाइव टू का क्या सिग्निफिकेंस है हम क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं जो एसिटिक एसिड है वो वाटर से थोड़ी भारी है हैवी है कि उसकी डेंसिटी क्या है ज़्यादा है क्योंकि वाटर की डेंसिटी कितनी है वन तो एसिटिक एसिड की कितनी है वन पॉइंट ज़ीरो फाइव टू मतलब वन से ज़्यादा है एसीटोन Aceton की एसीटोन क्या है वाटर से थोड़ा हल्का है क्योंकि उसकी डेंसिटी वन से कम है सिमिलरली बेंजीन की जो डेंसिटी है वो भी सॉरी स्पेसिफिक वो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो भी क्या है वन से कम है मतलब वो भी वाटर से क्या है हल्का है करेक्ट है राइट right? तो हम हमेशा जब स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन होगी तो हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगी लिक्विड किसी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी लिक्विड की गिवन है तो हमेशा गिवन होगी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर करेक्ट तो वो यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि वाटर से वो लिक्विड हैवी है डेंसर है या हल्का है करेक्ट है लाइट करेक्ट तो आई होप आपको रिलेटिव डेंसिटी क्लियर होगा वर्ड याद रखना स्टूडेंट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी करेक्ट तो कैसे पता रहेगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है कि डेंसिटी गिवन है अगर मैं 1.052 जो हमने लिखा है एसीटोन की डेंसिटी की अगर मैं यहां पे ग्राम पर सेंटीमीटर यूज करता हूं डेंसिटी की डेंसिटी बताते हुए तो ये डेंसिटी क्या होगी एप्सल्यूट डेंसिटी होगी लेकिन अगर सिंपली ऐसे लिखा है डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड दैट इज वन पॉइंट जीरो फाइव टू आई द यूनिट देन इट इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी करेक्ट तो अगर यूनिट है तो एब्सोल्यूट डेंसिटी और डेंसिटी सिंपली और रिलेटिव डेंस अगर इस यूनिट नहीं है विदाउट यूनिट है तो वो क्या होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी करेक्ट सिमिलर स्टूडेंट रिलेटिव डेंसिटी फॉर गैसेस क्या होगा अब वहाँ पे क्या होगा डेंसिटी ऑफ गैस वन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ गैस टू बट याद रखेंगे आपको क्या मेंटेन करना है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेसर रखना है मतलब जिस टेम्परेचर प्रेशर पे आप डेंसिटी गैस वन की बताएंगे उसी टेम्परेचर पे आपको डेंसिटी ऑफ गैस टू भी बताना है तो टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या रखना है स्टूडेंट कॉन्स्टेंट रखना है करेक्ट क्या रहना है कॉन्स्टेंट रहेगा क्लियर और ये भी बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट रिलेटिव डेंसिटी इज कॉमनली नो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस इज़ कॉमनली नोन एज वेपर डेंसिटी जैसे रिलेटिव डेंसिटी को हमने लिक्विड को क्या बोला था स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस इज नोन एज कॉमनली नोन एज वेपर डेंसिटी तो कभी भी वेपर डेंसिटी ये वन है बताया हुआ है तो वेपर डेंसिटी इज नथिंग बट इट इज अ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ गैस तो मुझे बता सकते हैं क्या वेपर डेंसिटी की कोई यूनिट होगी तो आंसर इज नो करेक्ट क्लियर तो वेपर डेंसिटी इज यूनिटलेस और इट हैज नो यूनिट करेक्ट स्टूडेंट यहां पे हम एक इक्वेशन यूज कर रहे हैं डिराइव करने के लिए वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला राइट right? दैट इज़ आइडियल गैस इक्वेशन वी आर यूजिंग इट राइट स्टूडेंट कहाँ से आई कैसे आई ये हम बाद में डिस्कस करेंगे एक चैप्टर आएगा गैसेज स्टेट या स्टेट्स ऑफ मैटर उसमें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आप बस सिर्फ लिख लीजिएगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इसको क्या बोलते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन में भी आपको पहले से पता होगा ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वॉट इज पी पी इज प्रेशर वी इज़ वॉल्यूम वॉट इज एन नंबर ऑफ मोल्स आर गैस कॉन्स्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर इन कैलवीन करेक्ट क्लियर सो स्टूडेंट वी नो नंबर ऑफ मोल्स एन इज इक्वल टू वॉट मोल्स क्या होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट सो वी हैव रिप्लेस पी वी इज इक्वल टू एन वी डब्ल्यू अपॉन एम आर टी नो वॉट वी आर डूइंग हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट वॉल्यूम को हम डिनोमिनेटर में लेके आ रहे हैं और जो एम है मॉलिकुलर मास है गैस का वो हम यहाँ न्यूमरेटर में लेके आ रहे हैं राइट right? हमने एडजस्ट कर दी इक्वेशन को तो पी एम इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी आर टी हो गया करेक्ट क्लियर और हमने फिर रीअरेंज किया तो डब्ल्यू अपॉन वी जो होगा वो क्या होगा इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी हो जाएगा करेक्ट एंड डब्ल्यू अपॉन वी क्या है वेट अपॉन वॉल्यूम या मास अपॉन वॉल्यूम और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट डेंसिटी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट डेंसिटी ऑफ अ गैस इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी प्लीज इसको याद रखिएगा ये हमें स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी करेक्ट वॉट इज पी स्टूडेंट मैं दोबारा बता रहा हूँ इज़ प्रेशर एम इज मोलर मास ऑफ अ गैस जिसकी आप डेंसिटी निकाल रहे हैं आर गैस कॉन्स्टेंट इज़ टेम्परेचर टेम्परेचर हमेशा स्टूडेंट किस में रखेंगे कैलविन में रखेंगे करेक्ट क्लियर तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है पी इज प्रेशर टी इज टेम्परेचर आर इज गैस कॉन्स्टेंट एम इज मोल मास ऑफ अ गैस नाउ आपको जब डेंसिटी कैलकुलेट करना है स्टूडेंट तो क्या करना था प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या रखना है कॉन्स्टेंट रखना है करेक्ट और वेपर डेंसिटी कैसे डिफाइन किया था स्टूडेंट डेंसिटी ऑफ गैस वन डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ गैस टू राइट सो so, डेंसिटी का फार्मूला क्या है कैलकुलेट किया स्टूडेंट स्टूडेंटी तो हम क्या लिखेंगे प्रेशर एंड कांस्टेंट रहेगा तो पी मोलर मास ऑफ गैस वन अपॉन आर टी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गैस टू दैट इज पी मोलर मास ऑफ सेकंड गैस अपॉन आर इन टू टी आर टी आर टी कैंसिल पी पी कैंसिल तो वॉट विल बी द फार्मूला वेपर डेंसिटी एम वन अपॉन एम टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला सो मै सो मैनी क्वेश्चन है फ्रॉम दिस टॉपिक क्लियर स्टूडेंट तो व्हाट इज द फॉर्मूला वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू एम वन अपॉन एम टू वॉट इज एम वन मोलर मास ऑफ गैस वन एम टू इज मोलर मास ऑफ गैस टू ठीक है तो अगर वेपर डेंसिटी ऑफ गैस वन की बता रहे हैं आप तो उसको न्यूमरेटर में रखेंगे जिसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं उसका मोलर मास आप किस में रखेंगे डीनोमेटर में रखेंगे फार्मूले में करेक्ट स्टूडेंट सो वेपर डेंसिटी इज एम वन अपॉन एम टू करेक्ट वॉट इज एम वन मोलर मास ऑफ गैस वन एम टू इज मोलर मास ऑफ गैस टू करेक्ट नाउ स्टूडेंट प्लीज नोट राइट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर वेपर डेंसिटी अगर हमें स्टूडेंट एम टू गैस नहीं गिवन है क्वेश्चन में मतलब आपको लेट्स प्रसवन है कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन और आपको ऐसे नहीं बोला कि विथ रिस्पेक्ट टू आपको इस गैस के निकालना है तो आप हमेशा ही हाइड्रोजन कंसिडर करेंगे एम टू को सेकेंड गैस को क्या कंसिडर करेंगे हाइड्रोजन गैस मैं रिपीट कर रहा हूँ अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आपको वेपर डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस गैस निकालना है तो आप जो गैस टू है उसको क्या एज्यूम करेंगे हाइड्रोजन एज्यूम करके वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे

सो ना द फार्मूला विल बिकम वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू एम बाय टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला स्टूडेंट वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू एम बाय टू वॉट इज एम जिस गैस की वेपर डेंसिटी निकालना है वो मोलर मास एम है डिवाइड बाई क्या करना है टू लेकिन ये तभी करना है जब हमें सेकेंड गैस गिवन नहीं है मतलब जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो गैस हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में अगर गिवन है तो हम उसी के मोलर मास से डिवाइड करेंगे अगर गिवन नहीं है तो हम हाइड्रोजन के मोलर मास से डिवाइड करेंगे करेक्ट सो दिस गैस दिस फार्मूला इज़ फॉर सिंगल गैस अगर कहीं पे एक ही गैस प्रेजेंट है तो फार्मूला क्या होगा एम बाई टू करेक्ट मोलर मास डिवाइड बाय टू लेकिन कहीं पे अगर मिक्सचर ऑफ गैसेज है और उसकी वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करता है तो हमें पता है मिक्सचर का जो मोलर मास होता है वो क्या होता है एवरेज मोलर मास करेक्ट लास्ट वीडियो में देखा था हमने तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए एवरेज मोलर मास डिवाइडेड बाय टू करेक्ट तो अगर सिंपल सिंगल गैस है तो एम बाय टू सिंपली मोलर मास डिवाइडेड बाय टू करना है स्टूडेंट अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस गिवन है तो आपको पहले एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करना है उन गैसेस का फिर डिवाइड बाय टू करना है करेक्ट ए एम एम स्टैंड फॉर एवरेज मोलर मास करेक्ट तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये वीडियो राइट right? अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट रिलेटेड टू वेपर डेंसिटी ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है काफी बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में पूछा जाता है वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं रिलेटेड टू वेपर डेंसिटी क्लियर सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ गैस हैविंग मोलर मास फोर्टी करेक्ट स्टूडेंट तो यहाँ पे आपको गैस के वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं जिसका मोलर मास 44 गिवन है बट हमें ये गिवन नहीं है कि इसके रिस्पेक्ट में निकालना है तो व्हाट विल बी द फॉर्मुला स्टोन वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास दैट इज 44 फोर अब कोई गैस नहीं गिवन है तो हम हाइड्रोजन लेंगे फार्मूला तो क्या लेंगे हाइड्रोजन का दैट इज फोर्टी डिवाइड बाई टू तो स्टूडेंट क्या आएगा वेपर डेंसिटी कितना आएगा ट्वेंटी करेक्ट सेकेंड क्वेश्चन कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस

विथ रिस्पेक्ट टू हीम नाव इट हैज़ मैंसन दैट वी हैव टू कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ एसओ टू गैस विथ रिस्पेक्ट टू हीलियम नाओ एम टू वी हैव टू टेक ऑफ हीलियम हमें जो सेकेंड गैस है वो हीम की वन है इसका मतलब जो एम टू है वो क्या है मोलर मास ऑफ हीलियम गैस दैट इज इक्वल टू फोर नाव द फॉर्मूला विल बिकम वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू एम वन अपॉन एम टू करेक्ट किसका निकालना है हमें वेपर डेंसिटी एसो का तो न्यूमरेटर में क्या आएगा मोलर मास ऑफ एसओ किसके रिस्पेक्ट में निकालना है हीलियम पे तो डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम सो एसो का मोलर मास कितना होता है स्टूडेंट मोलिकुलर मास 64 और हीलियम का कितना होता है 4 तो 64 फोर डिवाइड बाय फोर कितना आएगा स्टूडेंट 16 करेक्ट सो so, वेपर डेंसिटी ऑफ एसो टू विथ रिस्पेक्ट टू हीलियम इज सिक्सटीन करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ सैम्पल ऑफ गैसेसर कंटेनिंग टू मोल्स ऑफ ओ टू थ्री मोल्स ऑफ एस ओ टू विध रिस्पेक्ट टू मीथेन फिर से विध रिस्पेक्ट टू मीथेन लगा निकालना है तो हम फिर से फॉर्मूला क्या यूज करेंगे वेपर डेंसिटी गोल्ड एम वन अपॉन एम टू करेक्ट लेकिन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट मिक्सचर ऑफ गैसेज गिवन है तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज मोलर मास करेक्ट हमने फिर भी इस वीडियो में देखा था एवरेज मोलर मास का क्या, क्या फार्मूला था अगर मोल्स में गिवन है तो एन वन एम वन प्लस एन टू एम टू डिवाइड बाई स्टूडेंट वॉट एन वन प्लस एन टू करेक्ट सो यहाँ पे वही फार्मूला यूज़ किया हुआ है मैंने एन वन एम वन प्लस एन टू एम टू अपॉन एन वन प्लस एन टू करेक्ट सो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो स्टूडेंट तो एवरेज मोलर मास कितना आएगा फिफ्टी वन पॉइंट टू और वेपर डेंसिटी क्या होगा फिफ्टी वन पॉइंट टू बाई सिक्सटीन वाई सिक्सटीन स्टूडेंट बिकॉज मोलर मास ऑफ इज थे डेंसिटी ऑफ दिस मिक्स गैस विल बी इक्वल टू थ्री पॉइंट टू विथ रिस्पेक्ट टू वॉट स्टूडेंट मीथेन अगर यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू मीथेन नहीं कहता सिर्फ कहता है कि कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी देन हम क्या फॉर्मूला कहते हैं एम बाई टू एवरेज मोलर मास्क डिवाइड बाई टू तो क्या होता है आंसर है स्टूडेंट फिफ्टी वन बाई टू डिवाइड बाय टू करेक्ट सो अगर रिस्पेक्ट में बोला है तो हम उस गैस का मोलर मास्क लेंगे जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया अगर नहीं का है तो हम फॉर्मुला लेंगे एम बाय टू वाला करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज एट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ट्वेंटी फोर ग्राम ऑफ गैस एट एस टी पी इज करेक्ट दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज एट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ट्वेंटी फोर ग्राम ऑफ गैस एट एस टी पी इज करेक्ट स्टूडेंट वेपर डेंसिटी गैस की गिवन है और हमें कहा गया है कि जो 24 ग्राम ऑफ गैस है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एट एस टी पी कलिये स्टूडेंट सो वेपर डेंसिटी दे हमें पता है एम बाई टू होगा करेक्ट सो एम इज़ इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट सिक्सटीन नाउ वॉट इज सिक्सटीन मोलर मास ऑफ गैस करेक्ट तो हम कह सकते हैं जो सिक्सटीन ग्राम ऑफ गैस है वो क्या होगा एक मोल के बराबर होगा गैस का करेक्ट और हमें पता है एक मोल गैस ऑक्यूपाइज वन मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर ऑफ वॉलीमेट एस टी पी एव गोज अगर आपको याद है स्टूडेंट राइट तो सिक्सटीन ग्राम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ट्वेंटी टू पॉइंट फोर देन हाउ मेनी ग्राम ट्वेंटी फोर ग्राम विल ऑक्यूपाई सॉरी हाउ मैनी वॉल्यूम ट्वेंटी फोर ग्राम विल ऑक्यूपाई सो क्या करेंगे स्टूडेंट ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई सटी फोर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स लीटर करेक्ट तो जो 24 ग्राम ऑफ गैस है वो कितना ऑक्यूपाई करेगा 33.6 लीटर ऑक्यूपाई करेगा करेक्ट स्टूडेंट क्या किया हमने पहले वेपर डेंसिटी के हेल्प से मोलर मास निकाला मोलर मास के हेल्प से हमने क्या निकाला मोल्स निकाले हमें पता चल गया कि सिक्सटीन ग्राम ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा तो ट्वेंटी कितना ग्राम करेगा वो हमने ईजीली कैलकुलेट कर लिया करेक्ट लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ़ अ मिक्सचर ऑफ अ गैस कंटेनिंग ट्वेंटी फाइव सॉरी सेवेंटी फाइव परसेंट सी ओ एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट सी ओ टू विथ रिस्पेक्ट टू हीम बोला है करेक्ट तो फॉर्मूला क्या होगा एम वन अपन एम टू करेक्ट और एम टू क्या लेंगे हम यहाँ पे हीम का मोलर मास लेंगे मॉलिकुलर मास ठीक है अब यहाँ भी फिर से मिक्सचर ऑफ गैस है दिस मीन्स जो एम वन होगा स्टूडेंट वो क्या होगा एवरेज मोलर मास होगा मिक्सचर का ऑफ गैसेस का कराइट और यहाँ परसेंटेज में गिवन है तो क्या फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट एवरेज मोलर मास का परसेंटेज ऑफ फर्स्ट गैस इंटू इट्स मोलर मास ट्वेंटी एट प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड गैस इंटू इट्स मोलर मास डिवाइड बाई वॉट स्टूडेंट हंड्रेड तो जब कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज मोलर मास कितना आएगा थर्टी टू ये हमने फार्मूला प्रीवियस वीडियोज में देखा हुआ है सो हमें एवरेज मोलर मास कितना मिल गया स्टूडेंट थर्टी टू सो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू एवरेज मोलर मास ऑफ अ मिक्सचर ऑफ़ अ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम सो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू थर्टी टू डिवाइड बाई फोर सो वेपर डेंसिटी इज सिक्सटीन करेक्ट तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट प्लीज़ उसको ध्यान से करिएगा करेक्ट क्लियर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर लिखिएगा कर थैंक यू